अदालत में संजय रॉय के फूट फूट कर रोने से हर कोई सकते में है। क्यों संजय रॉय फूट फूट कर रोया अदालत में, हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें जो बड़ी अपडेट है, इस मामले में 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया, जिसमें मुख्य आरोपी संजय रॉय, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, इसके अलावा उस रात यानी कि जिस रात क्राइम हुआ उस रात अस्पताल में जो ट्रेनी डॉक्टर मौजूद रहे, 4 ट्रेनी डॉक्टर और साथ ही एक वॉलंटियर, 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया। संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट जेल में ही कराया गया, जहां वो 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है। उससे पहले आपको बता दें कि अदालत में हर कोई सन्न रह गया जब संजय रॉय ने फूट फूट कर कहा कि वो बेगुनाह है, वो बेकसूर है, निर्दोष है और इसीलिए चाहता है कि इस मामले में जो भी जांच सीबीआई को करानी हो वो कराए, ताकि असली आरोपी, असली गुनहगार सामने आ पाए। संजय रॉय फूट फूट कर अदालत में कहता है कि वो बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया, और तभी वो हर तरह की जांच का हिमायती है, हर तरह की जांच के पक्ष में है, क्योंकि वो चाहता है कि इस मामले में जो सही आरोपी है, असली आरोपी है, वो सामने आए। इससे पहले आपको बता दें कि न्यूज 18 की टीम ने संजय रॉय के दोस्तों से भी बातचीत की। उन दोस्तों ने इस बातचीत में बताया कि संजय रॉय अपनी प्रवृत्ति से ही आपराधिक किस्म का है, वो अक्सर ही लोगों से पैसे लिया करता था और उन्हें पैसों को वापस नहीं लौटाया करता था। इसके अलावा अपने आसपास रहने वाली महिलाओं के साथ भी उसका व्यवहार सही नहीं था, गाली गलौच देना, उनके साथ मारपिटाई करना, छेड़खानी करना, ये उसकी आदतों में शुमार था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वो वॉलंटियर के तौर पर काम करता था, लेकिन हर कोई ये जानता था, इस बात से वाकिफ था कि वो पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के बेहद करीबी में से एक है। संदीप घोष के बाउंसर के तौर पर भी लोगों के बीच उसकी पहचान थी। संदीप घोष की भूमिका भी इस मामले में शुरू से ही संदिग्ध रही है। इस पूरे मामले को लेकर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने भी की, सर्वोच्च अदालत ने भी की, जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई, जांच शुरू की गई, वो बताता है कि इस पूरे मामले को लेकर शुरुआत से ही पुलिस काफी गंभीर नहीं थी और मामले में कुछ छिपाने की कोशिश शुरुआत से ही की जा रही थी। वहीं पॉलीग्राफ टेस्ट जो हुआ है उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ये साफ हो जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। आपके मन में ये बात होगी कि पॉलीग्राफ टेस्ट होता क्या है। पॉलीग्राफ टेस्ट दरअसल झूठ पकड़ने वाली मशीन के जरिए किया जाता है, जिसे हम कहते हैं लाई डिटेक्टर मशीन। इसमें शरीर में हो रहे बदलावों के जरिए इस बात की जानकारी मिलती है कि इंसान सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। अक्सर बड़े मामलों में आरोपियों के मुंह से सच उगलवाने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। अब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ उस रात दरिंदगी हुई, उस दरिंदगी को लेकर जो जांच है वो अब पूरी उम्मीद इस पॉलीग्राफ टेस्ट पर ही टिक गई है। देखना होगा कि सच कब तक सामने आता है और जो पूरा देश की महिलाएं इंसाफ मांग रही हैं उस ट्रेनी डॉक्टर के लिए, वो इंसाफ कब तक मिल पाता है।